नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। एस सेवन के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत शर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम आज संवाद के तहत बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका संवाद कार्यक्रम में। एस सेवन के धन्यवाद। क्या कहेंगे, एस सेवन की एक नई पहल है, एक नई शुरुआत की है हम लोगों ने, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी पहल है हमारे जनपद रायबरेली में जी। तो मैं इस पूरे स्टूडियो के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने रायबरेली में अपना एक नया मुकाम हासिल कर रखा है। मेरे ख्याल से हजारों लोगों का आपका खुद का परिवार है, संस्थान है आपका जी। COVID-19 जैसी एक भयानक बीमारी आई सामने, अचानक दस्तक दी उसने, किसी ने कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको, और कैसे आप कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएं? क्योंकि मैंने आपकी हरदम सोच को देखा है और आप मेरे भी गुरु रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? मतलब अभी पहले तो बताइए कि कोविड से निपटने के लिए क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि जल्दी ही इससे निजात मिले, और मुझे लगता है कि कोविड जैसी महामारी जो आई है वो पूरे ये विश्वव्यापी महामारी है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आए हैं उनको फॉलो किया जाए, और सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए पूरी तरह से अपना जो हमारा विद्यालय परिवार है, हमारे पास 5,500-6,000 बच्चे हैं, 500-700 का हमारा स्टाफ है, उसको हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया है। प्लस जो जनता है वहाँ तक जाकर हम लोगों ने उनको जागरूक करने का प्रयास किया है कि किस तरह से, क्योंकि मेरा मानना है कि आज की डेट में इस महामारी से निपटने का जो उपाय है वो केवल और केवल सावधानी है। तो हम सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोई दवा मुझे नहीं लग रहा है कितनी जल्दी आ पाएगी। हमारी बॉडी ही एंटीबॉडीज़ कुछ जल्दी से जल्दी डेवलप कर ले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस कोरोना वायरस के साथ जीने की हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात देखिए, तो जिस तरह से कोविड फैल रहा है, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति तब भी नियंत्रण में देखी जा रही है, मुंबई देखिए, दिल्ली देखिए, बड़ी समस्याएं हो रही हैं, लोग अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ऐसे में मतलब आपका इतना बड़ा परिवार है, कठिनाइयाँ क्या क्या थी आपके सामने, और उन कठिनाइयों से निपटने, क्योंकि आप एक परिवार चलाते हैं, तो क्या सोचा आपने, कैसे क्या करना चाहिए था आपको? अब देखिए, जैसे कि हम शिक्षा जगत से हैं, हमारे पास 550-600 साथ में हमारे लोग काम करते हैं। इस महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ और स्कूल पूरी तरह से बंद हुए, और खुलने की स्थिति भी अभी जल्दी दिखाई नहीं पड़ रही हम लोगों को। उसमें फीसेस भी नहीं आ पा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हम लोगों के अपने स्रोत थे, जो रिसोर्सेज थे, उससे अभी तक हम लोगों ने चलाने का प्रयास किया है, और यही प्लान है कि जो है हम सब मिल बांट कर खाएंगे, और ईश्वर से यही कामना करेंगे कि हमारा परिवार, ये समाज सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। रही बात बच्चों के शिक्षण कार्य की, तो चूंकि हम लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ही कटिबद्ध हैं, तो चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को, अभिभावकों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई परेशानी अगर आई है तो उसको एक अवसर में कन्वर्ट किया जाए, और बच्चे घर पे रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ऑनलाइन एजुकेशन मैंने मार्च से ही स्टार्ट कर दिया है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं।
कैसी कनेक्टिविटी रहती है? देखिए एक तरफ देखा जाए तो मोबाइल का एक तरह से देखा जाए तो ज़माना चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में ऑनलाइन सुविधाएं नहीं हैं। आपके यहाँ पढ़ते होंगे, कई सारे बच्चों को आप फ्री में एजुकेशन देते हैं, जाहिर सी बात है वो गरीब परिवार से आते होंगे, तो कैसे वो कैसे संघर्ष करेंगे, वो कैसे पढ़ पाएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और ये आपकी संजीदगी का परिचय है। देखिए रायबरेली के कई क्षेत्रों में जी नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ऐसी भी समस्या आई कि एक गार्जियन के पास दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं और स्मार्टफोन एक है, उसके लिए हम लोगों ने टाइम टेबल को कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया कि प्राइमरी विंग का समय दूसरा रखा मैंने, जूनियर के लिए अलग रखा, सीनियर के लिए अलग रखा। उसकी वजह से हमारे शिक्षक जो पहले 6 घंटे हमारे साथ रहते थे, आज वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक क्लास लेते हैं, लेकिन उससे ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमने ऑनलाइन एजुकेशन पहुँचाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात देखिए गुरुजी, अगर बच्चे को सामने से पढ़ाया जाता है तो एक तरह से डिसिप्लिन भी बना रहता है, और डिसिप्लिन के मामले में आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं। अब ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं तो क्योंकि कोरोना संकट है तो जाहिर सी बात है सबको एक तरह से सामंजस्य बनाना पड़ेगा, लेकिन कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। क्या क्या है थोड़ा सा हमसे शेयर करिए, क्या क्या समस्याएँ आती हैं ऑनलाइन पढ़ाई कराने में आपको? देखिए पहली समस्या तो यही है कि एक मोबाइल बच्चे तीन, दूसरा हम लोगों ने जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया तो रायबरेली में मुझे लगता है जी कि शायद 1% के यहाँ भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, और जो ये जियो सिम पर निर्भर हैं जो लोग उनका जो है ये ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने व्हाट्सएप का ही उपयोग किया और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड वीडियोस बनाए, उन वीडियोस के माध्यम से वॉइस क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने मैसेज सेंड किया स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने भी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्वेश्चंस थे, उनको अपने टीचर्स के सामने रखा और उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। इसका कोई फायदा आपको होता नजर आ रहा है कि मतलब लग रहा है कि कुछ जैसे एक क्लास में पढ़ाई होती थी अभी डिजिटली पढ़ाई हो रही है, तो इसका कुछ बेनिफिट आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए प्रशांत जी, जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि जो बच्चे सीरियस है उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हर क्लास में सीरियस स्टूडेंट का परसेंटेज 20-25% मैक्सिमम राइट सर होता है, लेकिन हमारे केवल 20-25% बच्चे ही सफल नहीं होते। हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट व्यू अडॉप्ट करके डिसिप्लिन में लाकर जब वो फिजिकली प्रेजेंस रहती है बच्चों की, तो जो बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा प्रेशर देकर मोटिवेट करके साइकोलॉजिकली टीच करके उनको हम लोग अपने डायरेक्शन में ले आते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि हम आमने सामने नहीं है और फेस टू फेस ना होने की वजह से जो थोड़ा सा केयरलेस स्टूडेंट्स हैं उन पर वो दबाव नहीं बन रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा वॉच करें कि जिस समय क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं उस समय जो टीचर क्लास में देख रहा था तो वो पढ़ाई ना देखें, वो ये जरूर देखें कि उनका बच्चा बैठ रहा है और पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वैसे इसको क्रॉस करने के लिए हमारे जो टीचर्स हैं वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बाय नेम पूछते हैं कि मिस्टर ए व्हाट इज दिस, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इसकी वजह से बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है, बात नंबर एक। दूसरी बात ये कि इसको थोड़ा सा और हम बूस्टअप करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि जो हम
वीकली पढ़ाते हैं या 15 दिन में जो भी पढ़ाई हुई उसका वर्क जो है हम लोग चेक करने के लिए नोटबुक्स को पेरेंट्स के माध्यम से स्टूडेंट के माध्यम से स्कूल में कलेक्ट कराते हैं और उनको चेक करके बच्चों के कॉपियों को देखकर हम लोग जान लेते हैं कि बच्चे ने कितना प्रयास किया है और फिर गार्जियन को हम लोग बता देते हैं। गार्जियन का सपोर्ट बहुत मिल रहा है इसलिए मैं गार्जियन का भी आभारी हूँ क्योंकि बगैर पेरेंट्स के सहयोग के ये ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो COVID-19 में लगातार स्कूल प्रबंधन पे लोगों ने आरोप लगाए कि आप फोन करते हैं, आप पैसे मांगते हैं, इस तरह की संकट चल रही है, इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है तो स्कूल प्रबंधन को साथ में होना चाहिए, पैसे नहीं मांगना चाहिए, और उनका कहना है कि जब पढ़ाई नहीं तो पैसा काहे का, तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। कैसे इनका सामना करते हैं आपकी लगातार गार्जियन, कई सारे गार्जियन वीडियो बना लेते हैं, ऑडियो बना लेते हैं। देखिए, मैं बाहर का तो नहीं जानता हूँ, पर्सनली मैं अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ और जिस तरफ आपने इशारा किया है प्रशांत जी, उसमें ये जो लोग बात कर रहे हैं मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट वो पेरेंट्स नहीं है, वो एक बहुत ही छोटी उपलब्धि पाने के लिए, ख्याति पाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनका एजुकेशन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और रही बात सेंसिटिविटी की, संजीदगी की, हम लोग भी पेरेंट हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात अपने पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स को कोई समस्या नहीं है। और जिन पेरेंट्स को समस्या, आज आप प्रशांत जी कोविड जैसी महामारी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं महामारी के पहले भी जिन पेरेंट्स को दिक्कत थी और वो हमारे तक आया और मुझे लगा कि ये पढ़ना वाला बच्चा है और आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम लोगों ने अपनी जितनी भी पोजीशन है, स्थिति है, उससे आगे बढ़कर सपोर्ट पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत दुखी मन से ये कहना चाहूँगा कि जो ये आदेश जारी होते हैं, जो बात होती है वो कॉमन जारी होती है, उसकी वजह से जिन पेरेंट्स को आवश्यकता है वहां तक वो मदद नहीं पहुंच पाती। कई जो गवर्नमेंट सैलरी ड्रायर्स हैं वो भी इस बात का इंतजार करते हैं कि शायद कोई आदेश हो जाए और फीस ना देनी पड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि ये जो सब्सिडी, चाहे वो गैस पे हो, चाहे वो किसानों को हो, किसी को हो, जो सक्षम लोग हैं वो अपनी सब्सिडी को छोड़े हाँ। और जिनको आवश्यकता है उनके लिए वो रहने दें। अगर हमारे सारे सक्षम गार्जियन जो सक्षम हैं वो ये माने कि हम सक्षम हैं, हम फीस दें, तो जितने भी, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, जितने भी स्कूल मैनेजर्स हैं उनको बड़ी सुविधा होगी कि जो पात्र अभिभावक है, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, जिसका व्यापार बंद हो गया है, उसकी मदद हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे, मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपके कई सारे स्कूल्स हैं, रायबरेली में भी हैं और भी जगह पे आपकी अपनी प्लानिंग है, तो मैं थोड़ी सी बात आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर पैसा नहीं मिलेगा आपको तो आप संस्थान चला रहे हैं, आपके पास भी लोगों के भरण पोषण का इंतजाम करने की आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप मुखिया के तौर में हैं। अगर देखा जाए जैसे कोई मुखिया परिवार चलाता है तो उसको अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहते हैं कि भाई वो पैसा लेते हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं? मतलब अगर आपने बीच में इस कोरोना काल में आपने पैसे नहीं लिए, कुछ लोगों से जैसे नहीं लिए, या आप जैसे किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार को चलाने के लिए आपके द्वारा स्वयं क्या प्रयास किए गए? देखिए,
ये जो स्कूल मैनेजर्स होते हैं, खासतौर से प्राइवेट स्कूल मैनेजर्स, इनको अगर कहा जाए कि ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह, हम तो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भूमिका में होते हैं, हम पेरेंट से लेते हैं और अपने स्टाफ को जी उसके काम के अनुसार उसको पारिश्रमिक देते हैं, ठीक बात है। इसके अलावा हम लोगों का कोई रोल नहीं है, हमने लिया और हमने दिया, करेक्ट। इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स प्राइवेट स्कूल्स के पास मेरी जो निजी जानकारी है दूसरा नहीं होता है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है और ना उनको कोई मतलब है, उनको केवल मतलब है कि मीडिया में उनकी फोटो छप जाए। और मैं तो कहता हूँ वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार, ये स्कूल मैनेजर सरकार से बड़े नहीं हो सकते हैं, सरकार टैक्स ले रही है और उस टैक्स के अगेंस्ट ही तो सुविधा हमको देती है, वो चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आवास हो। अगर टैक्स सरकार ना ले तो प्रशांत जी क्या वो कोई सुविधा उपलब्ध करा सकती है क्या? तो हम को भी ये मान के चलिए कि हमको जो फीस मिलती है उसी के अगेंस्ट हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और आज 90% एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स के कंधों पर है, ये सरकार भी मानती है। मैं कहता हूं कि स्कूल मैनेजर्स के अकाउंट जिस भी बैंक में है पिछले 3 महीने का डाटा निकाल लिया जाए जब स्कूल चल रहे थे, और जो स्कूल मैनेजर जो सैलरी पे कर रहा था उसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर दे और हम 100% फीस माफ करने की घोषणा कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप इतने सारे विद्यालय चलाते हैं, हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से, जैसा मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से आपने अपनी स्टार्टिंग की, क्या विचार आया मन में कि शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर खड़ा किया जाए? कैसे आपने किया ये सब समझना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा है 91 से मैं कोचिंग में था आपके, देखा जब न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग की स्थापना आपने की थी, कैसे प्लानिंग की आपने, कौन कौन से लोग मिलते गए आपके साथ, लोग कैसे इतना बड़ा कारवां आपने खड़ा कर दिया? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा, ये ईश्वर जानता है। सारी प्लानिंग ईश्वर करता गया जी और मैं अपना काम करता गया। हाँ। और ये बिल्डिंग कैसे बन गई, कैसे विद्यालय बने, कैसे संख्या बढ़ी, ये ईश्वर ही जाने। आज भी आप जानते हैं कि हम अपने स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं, हम खुद फिजिक्स के लेक्चर्स ले रहे हैं जी। और उनको प्राइवेट डोमेन में नहीं डाला है मैंने, पब्लिक डोमेन में मैंने इसीलिए डाला है कि जो गांव का बच्चा है वो भी पढ़े, वो भी इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन गेन कर सके। उसका मेरा कोई चार्ज लेने का इरादा नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिरी दम तक हम शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जितनी सक्षमता बढ़ती जाएगी हम उतना ही आखिरी द्वार तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताइए कि डॉक्टर शशिकांत शर्मा के 3 बड़े सपने क्या हैं, क्या सोचते हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे के, मतलब कुछ मुझे बताइए कि कुछ ना कुछ आपने, जैसे हम लोग कभी बात करते हैं तो आप डिस्कस करते हैं, जैसे आप समाज सेवा करते हैं, किसी को पता नहीं रहता आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ गाँवों को आपने गोद ले रखा है जैसा मेरी जानकारी में, तो शशिकांत शर्मा के 3 सपने बड़े जो चाहते हैं कि मैं पूरा करके सोचूं कि नहीं मैंने कुछ किया है अपने जिले के लिए, प्रदेश के लिए। अब देखिए ऐसा है जी कि मेरा केवल एक सपना है, वो ये है कि हमारे सामने किसी आवश्यकता को लेकर अगर कोई आ रहा है तो प्रभु हमको इतना सक्षम बनाए कि हम उसकी मदद करने में सक्षम हो, बस यही सपना है मेरा। चलिए, देश के PM नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के CM श्री योगी आदित्यनाथ जी,
कैसे देखते हैं इनका, जैसे कोविड 19 में जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की, कहीं ना कहीं अपना भारत जो है वो दिखाई पड़ता है, एक गर्व महसूस होता है। आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, समझाते हैं, आपका क्या सोचना है इन दोनों? सबसे बड़ा प्रमाण यही है जी कि हमारे भारतवर्ष की जो ये डेंस्ड पॉपुलेशन है और उस डेंस्ड पॉपुलेशन के होने के बावजूद हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट विश्व में सबसे कम जी और रिकवरी रेट भी विश्व में सबसे ज्यादा है जी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं मिल सकता कि हम लोग आज इस कोविड जैसी महामारी, इसमें कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका जैसा देश इतना परेशान है और हम यहाँ पर सुरक्षित भाव में आपसे बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के कार्यशैली का ही प्रमाण है। हमारे माध्यम से आप अपने बच्चों से, अपने लोगों से, रायबरेली जिले के आप हैं, जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को क्या कहना चाहेंगे अंतिम समय? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बच्चों से, पेरेंट्स से और सभी जनता जनार्दन से यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकलें, इसका पूर्णतया पालन करते हुए जो भी उनका कार्य है, बच्चों का कार्य है शिक्षा ग्रहण करना, गार्जियन जिन ऑफिसेज में हैं उनके कार्य को अपने को सुरक्षित रखते हुए ईमानदारी से करें, जिससे वो खुद सुरक्षित रहते हुए अपना कार्य जब करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, उनका भी विकास होगा और हमारे देश का भी विकास होगा। और ये मान के चलें कि ये जो पूरा हमारा समाज है वो एक परिवार है, इस भावना से जब हम काम करेंगे तो निश्चय ही हम खुशहाल होंगे, हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। आज के दिन रिजल्ट आया है, कैसा था आपके विद्यालय का रिजल्ट, थोड़ा सा हमसे बताइए, कौन कौन से लड़कों ने टॉप किया है? नहीं, बच्चों ने बहुत मेहनत किया, हमारे टीचर्स ने मेहनत किया, गार्जियन का पूरा सहयोग रहा और सामूहिक प्रयास का परिणाम यही रहा कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर हम सभी को गौरवान्वित किया। तो मैं आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से सभी सफल छात्र छात्राओं को, अपने गार्जियंस को बधाई देते हैं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत शर्मा जी, आप संवाद कार्यक्रम में आए, आपने कहा, आपके विचार सुने हम लोगों ने, आपने कहा कि समाज को एक परिवार के तौर पे मानना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी सुरक्षित रहें, आपका संस्थान भी सुरक्षित रहे, S7 न्यूज चैनल की और पूरे समस्त टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जो हमारे साथ में संवाद कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से वो अपने संस्थान को चला रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई लिखाई किसी तरह से बंद नहीं होगी। अगर कोरोना चल रहा है तो डिजिटल माध्यम से भी हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की यही पूरी कोशिश है। संवाद कार्यक्रम में अभी आपसे और भी मुलाकात होगी। नमस्कार।